नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात शोमैन राज कपूर और सुपरस्टार राजेश खन्ना की। शोमैन राज कपूर ने तमाम ऐसी फिल्में बनाई जो आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी मिसाल और मील का पत्थर मानी जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुपरस्टार राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम में बड़े बड़े एक्टर कहीं ना कहीं पीछे छूट गए और राजेश खन्ना समकालीन एक्टर्स और अपने पुरानी पीढ़ी के एक्टर से बहुत आगे निकल गए। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह रही कि आरके बैनर, जो कि एक बड़ा बैनर माना जाता था और प्रतिष्ठित बैनर, जिसके साथ काम करने का मतलब था कि आप एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं, क्या वजह रही कि कभी राज कपूर ने राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी वजह पर बात करेंगे। और ये बात भी सच है कि राजेश खन्ना जिन चंद लोगों की पूजा करते थे, राज कपूर उनमें से एक थे। और इस शोमैन के साथ बासु चटर्जी की तीसरी जो फिल्म थी, तीसरी कसम जो फिल्म थी साल 1966 की, का राजेश खन्ना पर बहुत गहरा असर भी हुआ था। वो अक्सर बासु और रिंकी को अपने मशहूर शराब के दौर के लिए आशीर्वाद में बुलाते थे जब शाम को पार्टीज होती थी। और हालांकि वो दोनों कभी शराब नहीं पीते, फिर भी वो देर रात तक राजेश खन्ना की मौज मस्ती का हिस्सा बने रहते। और कई बार तो दोनों को खाना परोसे जाने के लिए सुबह 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता था। और ऐसी एक बैठक के वक्त रिंकी को राजेश खन्ना के बारे में एक अनोखी बात समझ आई। राजेश बेहद असुरक्षित और शक्की थे। वो कहती हैं कि ये भी जोड़ती हैं कि उन्हें लगातार पॉजिटिव मंजूरी की ज़रूरत होती थी। एक शाम ज़रा ज़्यादा पी लेने के बाद वो रिंकी के पास आए, सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। राजेश खन्ना की हालत पर कुछ फिक्र में और बिना उनकी बात समझे रिंकी ने सादगी से कह दिया कि वो जानती थी। राजेश खन्ना पल भर चुप रहे, फिर अपने शब्दों को तौलते हुए उन्होंने कहा कि वो उसकी आंखों में पढ़ सकते थे कि उसे यकीन नहीं था कि वो अच्छे आदमी थे, और एक बार फिर कहा कि वो बुरे इंसान नहीं हैं। राजेश खन्ना की अगली और साल 1974 में आखिरी फिल्म रोटी आई आविष्कार के बाद, और कई तरह से अहम साबित हुई। हर तरफ सफल होने के बाद उसे राजेश की अंतिम बड़ी हिट फिल्म होने का गौरव भी मिला। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित और राजेश खन्ना के मामा के तलवार द्वारा निर्मित रोटी में राजेश खन्ना के किरदार ने आनंद और बावर्ची की तरह पर्दे पर राजेश खन्ना को कभी हार न मानने वाले आदमी की छवि को आगे बढ़ाया। रोटी की कहानी बिना ज़्यादा बारीकियों के सीधी सादी जरूर थी, लेकिन ध्यान से देखने पर समझा जा सकता है कि राजेश खन्ना ने क्यों कर उसे अपने स्टारडम से विदा लेने के लिए एक सही फिल्म समझा होगा। फिल्म के नायक का किरदार अजीब तरीके से राजेश खन्ना की हालत दर्शाता है। दोनों ही काफी अच्छा वक्त गुजारने के बाद खुद को परेशान हाल पाते हैं। दोनों को ऐसे शख्स बनना पड़ा जो वो हकीकत में नहीं थे, और नाटक करते करते उनकी असली शख्सियत उभर आई। एक्शन यानी कि मारधाड़ वाली फिल्मों को मिलती शोहरत की वजह से राजेश खन्ना कुछ जुदा कर आजमाना चाहते थे, कुछ अलग। लेकिन उनके सितारे आने वाली अदाएं और उनकी जो अदाएं थी सितारों वाली, रोटी के हीरो का एक जुमला कि अगर मंगलवार का दिन नहीं तो वो सुरक्षित रहेगा, जो वो सामने खड़े जोखिम के वक्त कहता है। राजेश खन्ना के असल जिंदगी में खतरों को नकार देने की कोशिश झलकता हुआ इस फिल्म में ये नजर आता है किरदार। वक्त के प्रिज्म से देखते हुए तो रोटी एक तरह से राजेश खन्ना की अंतिम फिल्म ही थी जो उस दौर की कामयाब फिल्मों में कही जाएगी। और जिस ढंग से उन्होंने विदा कहा वो बहुत बुरा भी नहीं था। जिन 4 सालों में वो शिखर पर थे, राजेश खन्ना ने आनंद, आविष्कार और रोटी जैसी मुट्ठी भर फिल्मों में जो किरदार निभाए, उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए दर्शकों का चहेता बना दिया। जिस आदमी ने उन किरदारों को निभाया वो लाखों कमियों का शिकार हो सकता है, लेकिन जो किरदार उसने किए, उन्होंने एक पेचीदा फिल्मी सितारे और
सड़क के एक आम आदमी के बीच की दूरी को कम कर दिया। राजेश खन्ना के स्टारडम और उसके असर का सार समझना आसान भी है और मुश्किल भी। पर्दे पर उनकी मौजूदगी एक आम लड़के की ताजगी लिए चेहरे और आनंद जैसे किरदारों ने उन्हें वो बदलाव बना दिया था जो हिंदी सिनेमा चाहता था। हालांकि वो बहुमुखी अभिनेता नहीं थे, फिर भी बिना भूमिका की लंबाई या अन्य बाजारी ज़रूरतों की परवाह किए अलग अलग किरदारों को चुनने की उनकी काबिलियत ने उन्हें कभी टाइपकास्ट नहीं बनने दिया और उनके स्टारडम को बढ़ाया ही। फिर भी थोड़े से समय में ही उनकी सफलता की अपारता की वजह से एक संयोग ही लगा। तकदीर के साथ छोड़ते ही वो इतने निराश हो गए कि ऐसा कुछ भी करने को तैयार थे जिससे घड़ी को एक बार पीछे घुमाया जा सके, पीछे जहां उनकी कामयाबी है। हो सकता है कि उनकी आखिरी कुछ फिल्मों ने उन्हें भरोसा दिलाया हो कि वो दौड़ में वापस शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी तकदीर आपकी कसम की उस उदासी भरी पंक्ति की गूंज ही थी कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। लेकिन रोटी के साथ ऐसा नहीं था। रोटी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और उस दौर में आई जब ये कहा जा सकता है कि राजेश खन्ना की जो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों का दौर था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था, धुंधलाने लगा था। लेकिन अब बात वही पीछे लौटने की कि राज कपूर के साथ उस दौर में राजेश खन्ना की क्या बातचीत होती थी और ऐसी क्या वजह थी कि राज कपूर या आर के बैनर ने कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया और क्या कभी उन्हें ये ऑफ़र मिला भी था या नहीं। आज के इस पॉडकास्ट के इस आखिरी हिस्से में बात राज कपूर और राजेश खन्ना की। जब बॉबी फिल्म आई, रिलीज़ हुई और रिलीज से पहले ही राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया के साथ शादी कर ली थी और ये बात कपूर फैमिली को, राज कपूर को बहुत अखरती थी, खासकर ऋषि कपूर को भी, जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी न की होती तो शायद डिंपल कपाड़िया कपूर फैमिली की बहू होती, ऋषि कपूर की पत्नी होती। लेकिन अब अफवाहें हैं, अफवाहों का क्या। और इस वजह से राज कपूर या ऋषि कपूर राजेश खन्ना को पसंद नहीं करते थे। और लेकिन चूंकि वक्त का तकाज़ा है, कई बार हम जिन्हें पसंद करें ना करें, लेकिन जब डिमांड होती है तो फिर आपको, या कैरेक्टर ऐसा हो तो फिर आपको उसे पसंद ही करना पड़ता है। सालों बाद, कुछ साल बाद, जब राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें हीरो के लिए उन्होंने राजेश खन्ना को लेने का लगभग फाइनल कर लिया और यह ऑफ़र उन्होंने राजेश खन्ना को दे भी दिया और राजेश खन्ना भी इस, अब जाहिर है उस दौर में चूंकि राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में चल रहे थे, अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री पर राजेश खन्ना पर हावी हो रहे थे, ऐसे में आर के बैनर जैसा प्रतिष्ठित बैनर की फिल्म ऑफर होना राजेश खन्ना के लिए बड़ी बात थी और उनके करियर का जो डामाडोल चल रहा था उसको उससे उभारने का एक अच्छा प्रस्ताव भी था। राजेश खन्ना ने फौरन हाँ कर दिया। हीरोइन के लिए हेमा मालिनी को फाइनल किया गया। अब ये बात एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर राज कपूर साहब ने अपनी फैमिली को बताई। सामने शमी कपूर बैठे थे, ऋषि कपूर बैठे थे और शशि कपूर। राज कपूर ने कहा कि मैं अपनी अगली फिल्म में राजेश खन्ना को साइन कर रहा हूँ। अब ये कहना था कि तीनों लोगों ने इसका कड़ा एतराज़ जताया। शमी कपूर का एतराज़ नाराज़गी इसलिए थी क्योंकि उनका जो दौर था वो जब राजेश खन्ना आराधना के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आए तो शमी कपूर को अचानक से रिटायर होना पड़ा। अचानक से जो फैन फॉलोइंग शमी कपूर के साथ थी वो सारी राजेश खन्ना के पास चली गई और उनके सुपर स्टारडम में शमी कपूर का जो करियर था वो धुंधला गया और इस बात की उन्हें खासा नाराज़गी थी। ऋषि कपूर की नाराज़गी की वजह ये थी कि उनकी पहली फिल्म की हीरोइन डिंपल के साथ राजेश खन्ना ने शादी कर ली, फिल्म पूरी भी नहीं हो पाई, उनके अफेयर की खबरें भी थी। ये एक वजह थी जिसकी वजह से ऋषि कपूर की नाराज़गी थी। लेकिन राज कपूर ने समझाया कि देखो,
फिल्म की डिमांड ऐसी है, कैरेक्टर की डिमांड ऐसी जिसमें राजेश खन्ना बिल्कुल फिट बैठते हैं, इसलिए मैं राजेश खन्ना को लेना चाहता हूँ। तो ये बात हुई कि भाई आप घर से किसी को ले लीजिए या किसी और एक्टर को ले लीजिए। तो राज कपूर ने कहा कि देखो, शशि कपूर के पास डेट्स की दिक्कत है, उसके पास तारीख नहीं है। ऋषि कपूर हीरोइन के बरक्स कम उम्र का है, छोटा लगता है, फिट नहीं बैठेगा। काफ़ी मान मनोबल के बाद भी कपूर फैमिली इस बात पर राज़ी नहीं हुई कि राजेश खन्ना को फिल्म में लिया जाए। और तब जाकर राज कपूर साहब ने यह तय किया कि ठीक है, फिर शशि कपूर से बात की गई और शशि कपूर ने अपने तारीखों की डायरी में से कुछ तारीखें निकाल कर दीं और ये तय हुआ कि सत्यम शिवम सुंदरम के हीरो शशि कपूर होंगे। लेकिन अब बात हीरोइन पर आकर अटक गई। हेमा मालिनी ने इस फिल्म को अचानक से करने से इनकार कर दिया और वो चुपचाप बिना बताए चली गई और फिर सत्यम शिवम सुंदरम के लिए का जो रूपा का कैरेक्टर है उसके लिए जीनत अमान सामने आई। और इस तरीके से आरके बैनर के साथ काम करते करते राजेश खन्ना कहीं ना कहीं उनके हाथ से ये मौका निकल गया। लेकिन ये मौका सालों बाद राजेश खन्ना को फिर से मिला। आरके बैनर की एक फिल्म थी, आखिरी फिल्म थी, फिल्म का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।